नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत के बारे में। जी हाँ भाई, हालांकि कल भी मैंने अपडेट बताया था फ्लाइटों के बारे में कि अभी कोशिश है जारी, लेकिन आज हम अच्छी अपडेट पे बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड कि भाई कुवैत की जो सरकार है, वहाँ की पार्लियामेंट बोल सकते हैं, संसद बोल सकते हैं, जी हाँ, वहाँ की हुकूमत को एक कल की डेट में एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि कुछ देशों के लिए फ़्लाइटें स्टार्ट की जाएंगी। जी हाँ, हालांकि देखिए फाइनल डेट स्टार्ट नहीं हुई है, हालांकि कोई 22 अगस्त बता रहा है, कोई 25 अगस्त बता रहा है, लेकिन उम्मीद ये श्योर है कि 30 अगस्त से पहले पहले, जी हाँ, फ़्लाइटें स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे। जी हाँ भाई, डिटेल से बात करेंगे कि अगर फ़्लाइट स्टार्ट होती है तो किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा, टिकटों की प्राइस क्या रहने वाली है, आपको कौन सी डोज वगैरह वैलिड होगी, कौन लोग जा सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह, कोटा सिस्टम वगैरह, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको कुवैत से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें भाई, कुवैत ने पिछले 1.5 साल से फ्लाइटों को जाम करके रखा। आपको पता है भाई कुवैत की भी क्या गलती है, सब देशों ने ऐसे ही रखा है। जी हाँ, तो अभी उम्मीद ये जताई जा रही है, हालांकि कुवैत ने देखिए आपको पता है अगस्त 1 से फ्लाइटें स्टार्ट कर दी थी, आप सबको पता है, लेकिन उसमें कुछ कंट्रियों के जो एशियन कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, इन श्रीलंका वगैरह, इन देशों का फ्लाइटें स्टार्ट अभी बंद थी क्योंकि इनको रेड जोन में डाला हुआ था। जी हाँ, रेड जोन का मतलब ये है कि भाई इनमें यहाँ पे कोरोना के जो वायरस है वो ज़्यादा है, आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से इनको डाला गया था। तो अभी कुवैत ने एक फैसला लिया है कि भाई इन देशों की फ़्लाइटें स्टार्ट करने का। जी हाँ, तो इनमें अगर देशों की बात करें तो भाई सबसे पहले बात करें श्रीलंका है, अगर इसमें फ़्लाइटों को अभी जिनको मान्यता दी गई है कि इनको फ़्लाइटें स्टार्ट करेंगे, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, नेपाल, जी हाँ, और भारत, जी हाँ, ये जो 5-6 कंट्री हैं इनकी फ़्लाइटें अगस्त में स्टार्ट हो जाती है। हालांकि लोग बोल रहे हैं 22 अगस्त को स्टार्ट हो रही है, 25 अगस्त को हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई डेट फाइनल नहीं हुई कि उस डेट को, हालांकि फैसला हो चुका है कि फ्लाइट स्टार्ट करनी है, तो हो सकता है कल से स्टार्ट कर दे, हो सकता है परसों से कर दे, लोग 22 की भी बोल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। अब हम बात करें कि भाई इसे फ़्लाइट स्टार्ट किस तरह से क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो मैं बता दूँ लगभग पहले 7,500 यात्री अलग अलग देशों से वहाँ पर पहुँच रहे थे। कुवैत ने कोटा सिस्टम बना के रखा है, आपको पता है कुवैत ने कई देशों ने यूएस दुबई को भी बैन करके रखा था, ये इन जैसे काफ़ी देश हैं उनको भी उन्होंने फ़्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं, तो ये अच्छी बात है, तो अपने देशों का नंबर आना ही आना है। कोटा सिस्टम की बात करें तो एक निर्धारित होता है कि भाई जैसे दुबई से 70 लोग 80 लोग एक दिन में पहुँच सकते हैं, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत से अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग पहुँच सकते हैं, उनका कोटा सिस्टम बढ़ा दिया गया, यानी जस्ट डबल कर दिया। अभी दुबई से बात करें तो लगभग 150 के करीब पर डे लोग दुबई से कुवैत जा सकते हैं, और जैसे ओमान से, बहरीन से, उन पहले 50-60 लोगों की कैपेसिटी थी, अब उनको बढ़ा के ज़्यादा कर दी गई है। तो एक कोटा सिस्टम बता रहे हैं कि लगभग 14-15 हज़ार लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, कुवैत एयरपोर्ट पे। जी हाँ, तो अभी कोटा सिस्टम का मतलब आप ही को कन्फ्यूज हो सकता है कि कोटा सिस्टम क्या मतलब होता है। कोटा का मतलब ये होता है एक देश के लिए लिमिट कर दी जाती है एक दिन के लिए कि भाई इस देश के इतने ही लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, हम उतने ही लोगों को संभाल पाते हैं, क्योंकि एक साथ भीड़ बढ़ जाती है तो भाई संभालना मुश्किल हो जाता है ना फिर, क्योंकि कोरोना का माहौल है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है अधिकारियों को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, तो इसलिए वो कोटा सिस्टम आपने कहीं पर भी देखा होगा यार, एटीएम में लाइन लगा के आओ भाई, दो घुस गए एक बार रुक जाओ, दो निकल गए फिर दो बार, सेम कंडीशन ये है, बाकी नंबर सबका आ जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे बात कर लें कि भाई वैक्सीन का चक्कर क्या रहेगा, जो कोविशील्ड का चक्कर है, हालांकि कुवैत सरकार ने अभी तक कोई बड़ी अपडेट नहीं दी है, जैसे यूएई सरकार ने डंडा करके रखा है ना, कंडीशन पे कंडीशन रख दी कि बंदा जाते हुए भी नहीं जा पा रहा है, ये स्थिति दुबई में लोगों के साथ हो रही है, अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है तो वो नहीं जा रहे, हालांकि अभी तक तो कुवैत सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से, आगे होगी तो हम बताएंगे। फिलहाल के लिए बता दूँ वैक्सीन यूएई सरकार ने जो वैक्सीन मान्यता दी है वही है कोविशील्ड, भाई इंडिया में आप आप जा सकते हैं, फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है, मार्डन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, स्पुतनिक वी जो रशिया की आपको पता है वो भी इंडिया में अगस्त से सितंबर से मिलनी स्टार्ट हो गई है या हो जाएगी, तो वो भी आप ले सकते हैं, आज की भी उसकी न्यूज़ आ रही थी 750 रुपये पर डोज में वो वैक्सीन मिल जाएगी, तो इस तरह से अगर वो वैक्सीन भी आपको मिलती है तो भाई आप ले सकते हैं, क्योंकि कोविशील्ड बहुत सारी जगह पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मिल पाती है, और फाइजर भी इंडिया में मंजूरी मिल चुकी है, तो वो भी शायद इस महीने में या नेक्स्ट महीने में आ जाएगी,
रहे तो वो भी आप लोग, फाइजर का तो एक टीका बहुत है भाई, रेट हो सकता है उसकी 1800-2000 हो सकती है, लेकिन फाइजर का एक टीका भी लगवा लोगे, सर्टिफिकेट ले लोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं, आप आराम से कुवैत जा सकते हैं या किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। तो ये आपके लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। इनमें से जो कुवैत सरकार ने मान्यता दी है 5 से 6 जो कोविशील्ड है, ये वैक्सीन जिनको बोल सकते हैं, ये आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास उसका होनी चाहिए। स्कैनर वाला ले लेना भाई सर्टिफिकेट भी, जो स्कैनर होता है ना उसके ऊपर बार कोड आता है वो वाला होगा, ताकि एयरपोर्ट पे हो सकता है कल को कोई सरकार को नियम बना दे कि भाई बार कोड वाला चाहिए हमें, तो आपको पहले से ले लोगे तो आपके लिए अच्छी बात रहेगी। बाकी इसके साथ में PCR नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे की इसमें मांगी गई है फिलहाल के डेट में, हो सकता है इसमें ऊपर नीचे हो जाए। ऊपर तो क्या होगा भाई, 96 वाला हावर्स वाला टाइम तो गया, हो सकता है 48 अगर दुबई की देखा देखी करे तो 48 आवर्स वाला कर सकते हैं, अभी तक 75 आवर्स वाला सुन रखा है कि भाई वो ही एयरपोर्ट पर मान्य होगा। जी हाँ, दोनों डोज होनी चाहिए, RT-PCR नेगेटिव आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। एक कुवैत का एक एप्लीकेशन है भाई, आप जो कुवैत जाने वाले हैं वो अपने प्ले स्टोर से, अभी मेरे पास उसका नाम तो नहीं है लेकिन आप अपने स्तर पे ट्राई कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे डाउनलोड होना चाहिए, उसमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा आपको तभी आप जा सकते हैं। यहाँ पर भी कंडीशन है भाई, ये नहीं कि आप आंख बंद करके आप जा सकते हैं, उसमें ग्रीन सिग्नल आएगा तो हो सकता है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की मांग कर लें। अभी तक तो उसमें ऐसा कोई न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है कि भाई ये डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट करो, ये तो ऐसा तो नहीं है, बाकी वो कुछ मांगा जाएगा, आगे जरूर अपडेट आएगा तो हम आप लोगों को जरूर शेयर करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम टिकट के बारे में बात करें भाई, टिकट की क्या स्थिति रहने वाली है। कुवैत की टिकट मुझे नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा महंगी है, अगर आप किसी भी देश में जा रहे हैं गल्फ देशों में सबसे ज़्यादा महंगी, हालांकि कनाडा इंग्लैंड की तो लोग 3 लाख रुपए टिकट के देके जाते हैं, लेकिन कुवैत के भी भाई 1 लाख रुपए से ऊपर लोग टिकटों के अभी देके जा रहे हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगस्त महीने, ये अगस्त तो गया ये समझ सकते हैं, सितंबर महीना अगले आने वाला है, इसमें आपको टिकटों की जो रेट है ना उसमें भारी मात्रा में कटौती देखने को मिल सकती है। जी हाँ, नॉर्मल जैसे आपकी पहले जो फ्लाइट वाली टिकट थी वही टिकट आपको मिल सकती है, क्योंकि फ्लाइटें जब रेगुलर नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो जाती है ना, हालांकि ये अलग बात है कि फ्लाइट जैसे कुवैत की एक बार ओपन होगी, डेट निश्चित हो गई भाई फलानी डेट से फ्लाइटें ओपन है, तो टिकट बुक होनी स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम आपको टिकट महंगी मिल सकती है 4 गुना 5 गुना ज़्यादा दामों में। जी हाँ, लेकिन जैसे आप 10 दिन 15 दिन निकाल के फिर आप जाते हैं, अगर आपके वीज़ा में टाइम है, अगर आपको 10-15 दिन वेट और कर लेना है तो आप जाते हैं, तो टिकट आपको आधे भाव में मिल सकती है। जी हाँ, तो टिकट का आपको सबसे इंपॉर्टेंट भाग रहेगा भाई, टिकट कम पैसे में खरीदनी है, और टिकट भी देखिए आप अपने मोबाइल से बुक मत करना भाई, मेरी तो राय यह है, क्योंकि मोबाइल में अलग अलग तरीके के ऐप हैं भाई, कोई भी ऐप ये नहीं बोलता कि हम पैसे नहीं लेते, पैसा सबको चाहिए, टिकट बुक बाद में कैंसिल होती रहे, फ्लाइटें कैंसिल होती रहे, फ्लाइटें स्टार्ट ही नहीं हो, लेकिन वो पैसा तो आपका आपके अकाउंट से आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कट गया, अब आप रिफंड के लिए उनको मैसेज ईमेल करते रहो तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है। टिकट आप हमेशा आपके नियर में पास में जो ऑथराइज एजेंट हैं, टिकटों का काम करते हैं, उनसे टिकट लो आप, उनकी देखिए उनको टिकट लेने से फायदा क्या होता है, एक तो पैसों का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, आप 5 जगह ट्राई करो, एक पे क्यों जा रहे हो डायरेक्ट कि एक के पास पे गए उसी से टिकट ले ली, नहीं, टिकटों का बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, देख लेना 10 से 15 हज़ार तक का डिफरेंस आ जाता है एक एक टिकट में, एक बोलता है जी 40,000, एक बोलता है 35,000, एक सीधा 45,000 पे पहुंच जाता है। तो जो 4-5 लोगों से कन्फर्म करो, जो आपको लगता है कि ये टिकट सस्ती दे रहा है उसको ये बोल भाई ये पैसा ले, या फिर उनके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करें, और उसको बोल देना भाई टिकट आप बना रहे हैं कल को टिकट कैंसिल हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, तो पैसा मैं और देने वाला नहीं हूँ, और ये पैसा मैं रिफंड आप ही से लूंगा, तो वो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आप उसकी छाती पे जाके खड़े हो सकते हैं, उनके ऑफिस में आके खड़े हो सकते हैं कि भाई सर टिकट नहीं बनी तो पैसा तो रिटर्न कर रही है, या फिर कोई प्रॉब्लम होती है जा नहीं पाते हैं, कुछ भी रीजन हो जाता है, उसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ये नहीं कि भाई मेरे बोलने से आप पहुंच जाओ उसके ऊपर डंडा जमा दो, वो नहीं होनी चाहिए, आपकी बिना गलती की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टिकट के पैसे के लेने के हकदार हो जाते हैं। तो पर्सनली टिकट आप उन्हीं से बनवाएं, न कि आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से या अपने मोबाइल से बनाएं, क्योंकि ये लालच आपको लगता है कि पर्सनल टिकट बनाएंगे सस्ती पड़ेगी, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, एजेंटों वो उसमें बढ़ा के दे देते हैं, बात वही की वही आती है, तो इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो टिकट उम्मीद है कि सस्ती होने की पूरी पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। जी हाँ, अब नए वीजा वालों की बात कर लेते हैं भाई, वीजा वालों का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया ऐसा कि भाई नए वीजा कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक लोग जाएंगे, हाँ जिनके वीजा एक्सटेंड हो रहे हैं, जिनके वीजा वैलिड हैं वो तो जाने ही है, जैसे फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है वो जा सकते हैं,
अब विजिटर में कोई लोग कुवैत जाना चाहते हैं या फिर नए वीज़ा में जाना चाहते हैं, उनका अभी तक देखिए कोई अपडेट आया नहीं है। तो लोग हालांकि वीडियो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, ऐसे जाओ वैसे जाओ, ऐसे कुछ भी नहीं है। सच्चाई है कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है, और अपडेट जब भी कोई आएगा तो सबको पता लग ही जाएगा भाई, पूरी दुनिया में पता लग ही जाएगा। तो अभी इन चीज़ों से बचे, नए वीज़ा वाले या फिर कोई जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं उनसे रिलेटेड भी अभी कोई अपडेट नहीं है। फ्लाइट से रिलेटेड अपडेट है कि भाई फ्लाइटें अभी एक दो दिन के अंदर स्टार्ट होने वाली हैं, वो कब तक हो जाएँ ये हो सकता आज हो जाए, 22 अगस्त या 25 अगस्त को हो जाएँ, कोई कुछ नहीं कह सकता, सच्चाई यही है। जी हाँ, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फ्लाइट से रिलेटेड कुवैत जाने वाले एकदम तैयार रहिए, रेडी रहिए। जिनके टीका में अभी जिन्होंने डोज ले रखी अच्छी बात है, जिनके डोज में कई बार ये होता है कि भाई दोनों डोज लेने के बाद भी 14 दिन का टाइम होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे कल से फ्लाइट स्टार्ट हो रही है, आपने 2 दिन पहले टीका लिया, आपकी कंडीशन दिक्कत आ जाएगी, आप 14 दिन पहले फ्लाइट नहीं कर सकते। हो सकता है यूएई सरकार ये नियम, कुवैत सरकार ये नियम बना दे, एयरपोर्ट की तरफ से नियम आ जाए। ये तो तय बात है कि भाई जब भी फ्लाइटें स्टार्ट होंगी तो कुछ ना कुछ गाइडलाइन जरूर आएगी, और इतना तो आसान नहीं है कि कुवैत सरकार फ्लाइटें स्टार्ट करते आप वो पहले वाली स्थिति की बैग उठाया पासपोर्ट टिकट लिया आप पहुंचे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। कुछ न कुछ हार्ड कंडीशन रखी जाएंगी कि उसमें उनको पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा, सेम टू सेम जैसे वीएस सरकार की। वीएस सरकार ने डंडा इतना दे रखा है अच्छी तरीके से कि बंदे को चाहते हुए बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे, उनकी मजबूरी हो रही है क्योंकि उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, उनकी कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी आ रही है या उनको और कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से सेम कंडीशन कुवैत भी कर सकता है, हालांकि कुवैत सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक ठंडी लोग मान सकते हैं, ठंडी सरकार मान सकते हैं, इसको ये समझ सकते हैं कि एकदम आराम से नॉर्मली, नहीं तो वो इतने कोई फड़फड़ करते हैं, नहीं कोई इतना ज़्यादा अपडेट देते हैं। आप देख रहे हैं, आप वीडियो देखते होंगे, आपको पता होगा दुबई का, यूएई का ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपको नई अपडेट नहीं मिले। जी हाँ, और कुवैत सरकार की, कुवैत की फ्लाइटों के बारे में आपने देखा 1.5 साल में कुवैत की फ्लाइटों के बारे में, बस लोग अपनी तरीके से वीडियो बनाते हैं फ्लाइट स्टार्ट हो रही है और ये वो रही है, बाकी कोई सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कि इतने कोई हर रोज़ या हाँ 5-10 दिन से अपडेट कोई आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये नहीं कि वो झटका दे दे कि बंदे को आगे खिसकाने की कोशिश करे, वो चक्कर यहाँ पे नहीं होने वाली है। जी हाँ, तो कोई उम्मीद करते हैं कि कुवैत सरकार यूएई सरकार के पीछे न चलें, अपने तरीके से नियम बनाएंगे तो आप आराम से कुवैत जाने वाले लोग कुवैत जा सकते हैं। जी हाँ, तो भाई फ्लाइट से रिलेटेड, आपकी वैक्सीन के रिलेटेड जो एप्लीकेशन ऐप है उससे रिलेटेड, वीज़ा कोटा सिस्टम, टिकट से रिलेटेड मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों से शेयर कर दी। आगे और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन के हम ज़रूर अपलोड कर देंगे, तो उसको आप वेट करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर रोज़ आपको नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।